Hello friends, good morning. Welcome to SSLC Career Services Private Limited. Namaskar dosto, mera naam Sameer hai aur aapka SSLC Career Services Private Limited channel par swagat hai. Aaj main aapse bahut hi important topic pe baat karne ja raha hu, woh hai implementation of the knowledge. Aapne ek kahawat to suni hogi, knowledge is not power, the implementation of knowledge is power. यानी ज्ञान अकेला ही जरूरी नहीं है, ज्ञान को यूज करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो लोग स्कूल में कॉलेज में आगे रहते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं कई बार पीछे छूट जाते हैं. कई बार वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने स्कूल कॉलेज में सक्सेसफुल आते हैं. एक रीजन उसका होता है कि वो रट्टा मार रहे होते हैं, या वो नॉलेज तो जानते हैं बट डरते हैं एक डीप डाइव करने से. जैसे आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो बुक से कि स्विमिंग कैसे करनी है, बट जब तक खुद स्विमिंग करने नहीं उतरोगे वहां तक आप कभी स्विमिंग नहीं सीख सकते. आपको स्विमिंग सीखने के लिए एक बार जरूर डूबना पड़ेगा, या फिर यूं कहिए आप गाड़ी ड्राइविंग करना चाहते हैं, आपने ड्राइवर से गाड़ी सीख ली, पर जब पहली बार आप गाड़ी लेके निकलेंगे आपको डर जरूर लगेगा. और अगर मान ले आपने हिम्मत नहीं करी रोड पे चलाने की, या आप डर गए, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे. और अगर एक बार आपने ये स्किल सीख ली आप इसे कभी नहीं भूल सकते. जब भी जरूरत पड़ेगी आप बहुत जल्दी उस स्किल को दोबारा रिटेन कर देंगे. इसे तो कहते हैं नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हमें ग्रो करना है तो हमें जरूर ये याद रखना होगा कि कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडी है, उसे ढंग से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए ऐसा क्यों होता है. आज द क्वेश्चन 5Y1H, कौन, क्यों, कैसे, कहाँ, और आप समझेंगे, आप जानेंगे कि ये नॉलेज क्या है, और जहां मौका मिले उसे अप्लाई करना सीखना चाहिए. और जैसे ही आप अप्लाई करते करना स्टार्ट कर देंगे आप देखेंगे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, नॉलेज मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक पाएगा. चलो एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है. आपने जरूरी महाभारत देखी होगी और आपने उस महाभारत में देखा होगा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और क्या कहा गया कि आपको मछली की आंख भेदनी है और वो भी आपको पानी में देख के भेदनी है जो मछली ऊपर लगी हुई है. क्या आपको लगता होगा कि किसी भी गुरु ने धनुष विद्या के समय ये सिखाया होगा कि आप नीचे पानी में देखिए ऊपर आपका निशाना है, वो भी आपकी चलती हुई मछली है और आप उसको भेदना है. कितनी फोकस लगा होगा, कितनी प्लानिंग करी होगी, कितनी विशिष्टता होगी उसकी स्किल्स में कि वो उसको अर्जुन जो है उसको अप्लाई कर देता है और वो सक्सेस हो जाता है. ये है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. जैसे आपने देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक साथ सखा थे और खेलते थे, विनोद कांबली सचिन से ज्यादा तेज खेलता था, और जब उन्होंने पहली बड़ी पार्टनरशिप बनाई थी तो विनोद कांबली का बड़ा रोल था, सचिन का छोटा रोल था. पर सचिन दर्दशीलता थी, सचिन मेहनती थे, वे समझते थे कि किस तरीके से परिस्थितियां खराब हो सकती हैं
उनकी जो कमजोरी होती थी वो कोशिश करते थे उस कमजोरी को कैसे पाता जाए और इंश्योर करा जाए कि वो कमजोरी फ्यूचर में ना रहे। और दिमाग से खेल के इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए अगर आप कंपेयर करें कामरी से। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एग्जाम्पल की तरह लें, जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको नॉलेज ही नहीं एक्वायर करनी, आपको उसको अप्लाई करना है, आपको इतना एक्सपर्ट होना उस नॉलेज पे उस एरिया में कि आप कुछ भी कर सके। और देखिए उसके बाद लोग आपके पीछे होगा, पैसे आपके पीछे होंगे और आपका सम्मान भी होगा, यानी आपके पास पैसा भी है, आपके पास सम्मान भी है, नॉलेज भी है, ख्याति भी है और आपको लोग प्यार भी करेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है आप कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, आप लिखिएगा और हम आपको देंगे। और आपको लाइफ स्किल सॉफ्ट स्किल या काउंसलिंग के बारे में और जानना है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिएगा इन ईमेल एड्रेस या वेबसाइट जो आपको दिख रही है, और वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।